इस तरह की 3D विंग्स AI जनरेटेड इमेजेस अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, जिसके बैकग्राउंड पे हम अपना नाम डालकर इस तरह की अलग अलग कलर्स एंड स्टाइल पे इजिली एडिटिंग करा सकते हैं। तो इस AI एडिटिंग के लिए आज मैं आप लोग के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से 4 प्रॉम्प्ट दिया हूँ, जिससे आप भी प्रॉम्प्ट को AI जनरेटेड टूल पे जस्ट पेस्ट करके अपने लिए एडिटिंग करा सकते हो। मतलब इसमें आपको प्रॉम्प्ट लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा, जस्ट मेरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके टूल पे पेस्ट कर दो और मेरा नाम हटाकर अपना नाम लिखकर अपने लिए इस तरह की 3D विंग्स वाली बहुत सारी इमेजेस जनरेट करा सकते हो। सो इस तरीके से इमेजेस बॉयज के लिए नहीं बल्कि गर्ल्स के लिए भी बना सकते हो और चाहो तो इस कैरेक्टर पे अपना फेस स्वैप करा सकते हो, जैसे मैंने करी। और वो कैसे करनी आज की समझिंग वीडियो पे और बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज के समझिंग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोम चाहिए होगा, तो प्रोम आपको यही मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया, वहाँ जाओगे आप, यहाँ आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी दिस प्रॉम्प्ट लिखा है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रॉम्प्ट देखने को मिलेंगे, बट यहाँ से आपको किस प्रोम को कॉपी करना है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है शर्ट, हुडी एंड नीचे में कैप बॉय। यहाँ पे मैंने अलग अलग इसलिए बना के दिया ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको इस तरीके से कैरेक्टर चाहिए, आपका मॉडल शर्ट पहना हो, तो आपको इसे फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट को ही कॉपी करना है। एंड अगर आप इस तरीके से एडिटिंग चाहते हो जिसमें आपका कैरेक्टर हुडी पहना हो एंड आपका जो नाम लिखा है वो येलो पे हो, तो आप यहाँ पे जो हुडी लिखा है वहाँ पे प्रॉम्प्ट कॉपी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कैप बॉय लिखा है, आप अगर इस तरह की सिंपल एडिटिंग करना चाहते हो जिसमें आपका टेक्स्ट हो बिना नियॉन लाइट के एंड सिंपल से हो, तो ये वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना, ठीक है। बट यहाँ पे हम पहले वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एंड इसे आपको पेस्ट कहाँ करना, मतलब किस जनरेटर टूल पे पेस्ट करना है। तो आपको उसके लिए आपको सिंपली नीचे आ जाना है, नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगी जिसमें आपको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। बट पेस्ट करने से पहले ध्यान रखना कि ये वाली जो वेबसाइट है ए जनरेटेड इमेज क्रिएटर, ये वाली वेबसाइट है, तभी आप इमेज जनरेट करा सकते जब आपने यहाँ पे लॉग इन या साइन इन करा होगा। और उससे पहले आपको साइन अप करने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया। अगर आपको साइन अप करना नहीं आ रहा है इस साइट पे, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि कैसे साइन अप करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, चेक कर लें। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 चीजों को चेंज करना होगा, एंड यहाँ पे आपको बारीकी से समझा देता हूँ क्या क्या करना है। सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे जो व्हाइट शर्ट लिखा है वो आपका कपड़ा रहेगा, तो आपको जो क्लोथ चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि हमें व्हाइट शर्ट चाहिए। एंड सेकंड जो यहाँ पे नाम लिखा है वो आपको क्या नाम लिखना है यहाँ पे डालना होगा। देन लास्ट यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल के बाद ऑरेंज नियॉन लाइट लिखा है, तो जो बैकग्राउंड पे फ्रंट होगा तो उसकी कलर है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं ऑरेंज कलर को ही रहने देता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट करके देख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लोड लेगी 5 से 10 सेकंड बाद, एंड देखना ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग जनरेट करके देगी हमारी इमेज। सो गाइस देख सकते हो ये इमेजेस जनरेट होके आ चुकी है, एंड मैं यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे क्लियरली लिखा है, जो मैंने अपना नाम लिखा था वो बैकग्राउंड पे क्लियरली आ गया, एंड हमने ऑरेंज कलर डाला था तो यहाँ पे ऑरेंज कलर विंग्स यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि नीम पे थी, ठीक है। एंड बाकी कपड़े को भी देख लिया, व्हाइट शर्ट लिखा था तो व्हाइट शर्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट है उसे भी कॉपी करके देख लेते हैं, जो कि हुडी के लिए, मतलब आपको हुडी चाहिए ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, तो सिंपली आपको उसी साइड पे आके कॉपी कर लेना है एंड इस जनरेटर टूल पे जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो ब्लैक हुडी लिखा है और नाम तो सेम लिखा है, बट जो कलर है नियॉन टेक्स्ट की उसमें अब येलो कलर आएगी, ठीक है। तो आप जनरेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस आ गई है, जो कि बैकग्राउंड में येलो कलर की फ्रंट पे बहुत ही अमेजिंग लग रही है। एंड हुडी को देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक आई है, ये भी इमेज बहुत ही कमाल की आई है। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करा कि अभी जो हमने सेकंड बारी में हमने जो प्रॉम्प्ट ऐड करा है उसमें चश्मे और मास्क भी लगे हैं, जो कि मैं यहाँ पे रिमूव नहीं किया हूँ। अगर आप मास्क एंड सनग्लासेस नहीं चाहते हो, मतलब चश्मे नहीं चाहते, तो यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, जब वी कांट क्रिएट योर इमेजेस राइट नाउ, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आती है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि ये जो साइट है अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, सभी लोग इसे यूज कर रहे हैं, एंड बहुत सारा ट्रैफिक आने के बाद ये थोड़ा क्रैश हो जा रही है, तो रिफ्रेश करने के बाद आ जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हमारी इमेज जनरेट होके आ चुकी है, जो कि मैंने इस बारी मास्क और चश्मे की टेक्स्ट को रिमूव करा था, एंड नाउ हमारी जो इमेज है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जनरेट हुई है। एंड इस फोटो को HD में सेव करना चाहते हो तो इस तरीके से आप फोटो को इजिली सेव कर सकते हो, ठीक है। तो एक कैप बॉय वाली जो टेक्स्ट था उसे हम ट्राई करके देखते हैं, एंड कैसे इमेजेस जनरेट होगी वो देख लेंगे यहाँ पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन साइड पे जाके कॉपी कर लेना टेक्स्ट को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बिना चेंजेस के यहाँ पे मैं बाकी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपका नाम अलग है, तो यहाँ पे जो क्रीजी लिखा है उसे आप हटाकर अपना नाम एंड क्रिएट को प्रेस कर देना। नाउ भी देख सकते हो जो इमेजेस है बिल्कुल अलग आई है। इस टाइम टेक्स्ट को देख सकते हो, जो कि सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, बैकग्राउंड पे नाम लिखा है विदाउट नियॉन लाइट, क्योंकि ये वाली प्रॉम्प्ट में नियॉन लाइट नहीं है। अगर आपको नियॉन लाइट ही पसंद है तो आप वो फर्स्ट एंड सेकंड वाली प्रॉम्प्ट को ही ट्राई करना, ठीक है।
यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, जो ब्लैक शर्ट है उसे हम व्हाइट हुडी लिखते हैं एंड ट्राई करते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नाउ जो इमेज आ चुकी है आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेज ओपन करके देख ले तो ये ठीक ठाक ही लग रही है, उतना खास तो नहीं लग रही। बाकी जो नियन वाली थी एडिटिंग वो बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। उस तरीके से अगर आप इमेज क्रिएट करके पोस्ट करोगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा लाइक्स तो आएंगे ही। तो इस तरीके से अगर आपको सिंपल इमेज जनरेट कराना है तो करा सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके भी इमेज जनरेट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पेज जैसे भी ज्यादा लिखोगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इमेज जनरेट होगी। नाउ मैं आपको बता देता हूँ कि गर्ल्स के लिए हम कैसे कर सकते हैं जनरेट। तो सिंपली आपको यहाँ पे मैं गर्ल्स के लिए भी एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ, सिंपली आपको उसे कॉपी करना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद दूसरी साइड पे आ जाऊंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो नेम में सुमन लिखा है एंड क्लोथ में ब्लैक हुडी लिखा है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आपको मास्क नहीं चाहिए एंड सनग्लासेस भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ हटा सकते हो। एंड नियॉन लाइट की कलर को यहाँ पे ऐड करना मत भूलना अगर यहाँ पे, एंड फिलहाल तो अभी येलो है जिसे हम जनरेट करेंगे। एंड आप भी देख सकते हो यहाँ पे जनरेट करने के बाद बहुत सही से इमेज जनरेट होके आई है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हो, अगर आपको दूसरा कपड़ा चाहिए, कपड़े की कलर अलग रहना चाहिए तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। एंड टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना चाहते हो तो उसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हुडी की जगह टी शर्ट लिख सकते हो एंड गर्ल्स के लिए जैसे भी आप अपने हिसाब से कपड़े का नाम लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। बाकी यहाँ पे मैंने सिंपल सा करा है एंड अगर आपको थोड़ा सा एडवांस पे जाना है तो वो भी जा सकते हो। तो फोटो जनरेट करना तो बता दिया एंड अगर आपको इस तरीके से फेस स्वैप कराना है, मतलब कि इस कैरेक्टर पे अपना इमेज लगाकर स्वैप कराना चाहते हो, तो मैं इस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। भी कैरेक्टर पे फेस कैसे स्वैप करा सकते हो मैंने वहाँ पे क्लियरली बता दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड मैंने इस तरीके से इमेज जनरेट कराया है, बट इसका जो प्रॉम्प्ट है वो अलग ही है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊ नेक्स्ट वीडियो पे, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से एडिटिंग चाहते हो तो इस वीडियो पे ओनली 200 लाइक्स कम्प्लीट करा देना एंड कॉमेंट पे गोल्डन बॉय लिख देना, देन मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी ये वाली एडिटिंग चाहिए तो मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जाएगा इसके लिए टूटल वीडियो बनाने। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूड में, बाय।